भाई और बहन की पवित्र रक्षाबंधन त्योहार को मनाने के लिए आज फॉयसागर रोड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राशदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह सहित उपाधीक्षक, थाना अधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर अजमेर पुलिस ने तमाम स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया और उन्हें अपने नंबर भी दिए, जिस पर वह किसी भी समय सुरक्षा संबंधी जानकारी व सूचना दे सकती हैं। इस पवित्र मौके पर स्कूल में अध्ययनरत सभी छात्राओं ने अजमेर SP सहित तमाम पुलिस अधिकारियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पुलिस ने सभी छात्राओं को अपने बहन के समान समझते हुए हमेशा सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया। अजमेर SP कुंवर राजदीप ने कहा कि अजमेर में तमाम छात्राओं को कभी भी सुरक्षा की दृष्टि से भाई की जरूरत पड़ेगी तो वह सदैव सामने खड़े मिलेंगे और उन्हें किसी भी दृष्टि से सुरक्षित रखेंगे। इस मौके पर स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत पहुंचे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, रक्षाबंधन और 15 अगस्त की पूर्व दिवस के ऊपर राजस्थान पुलिस के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया हमारे यहाँ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉयसागर रोड रामनगर पे बता रहे हैं और उन बच्चियों के कलाई पे राखियाँ बांध के टॉफियाँ बांट के रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया और प्रत्येक बच्ची को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने व्यक्तिगत नंबर दिए हैं और ये कहा है कि जैसे एक भाई अपनी बहन के प्रति रक्षा का धर्म निभाता है कि मैं पुलिस कप्तान होने के नाते अपनी बहनों की रक्षा का जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी कहीं आवश्यकता है मेरे व्यक्तिगत नंबर पर एक मैसेज कीजिएगा, मैं हमेशा बच्चियों की सहायता के लिए तत्पर रहूँगा। और आज के दिन मैंने राखी बंधा के इन बच्चियों से एक नया रिश्ता कायम किया, इस रिश्ते को मैं पूरा निभाऊंगा, ऐसा माननीय पुलिस अधीक्षक जी और उपाधीक्षक महोदया कह के गए। देखिए, आज यहाँ पे राजकीय कॉलेज में हमारा बच्चियों के साथ में रक्षाबंधन त्यौहार मनाने का कार्यक्रम हुआ है। हम सभी पुलिसकर्मी ने बच्चियों से राखी बंधवाई है और उनके साथ में ये कमिटमेंट किया है कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, कहीं पर कोई उनको सुरक्षा में कोई समस्या लगती है तो कभी भी हमें संपर्क कर सकती हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के हमारे पास आ सकती हैं और हमसे अपनी बात कह करके जो भी हमारी तरफ से उम्मीद करती हैं उसके लिए वो हमें अपनी बात रख सकती हैं।